हाय गैस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एटीबी ब्लॉग में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। तो गाइस देखिए, हर बार की तरह सुबह सुबह मैं आज उठ चुका हूं और अपना जो काम है उस चीज़ को आज भी आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था टमाटर की गार्डनिंग, इधर देखिए पीछे तरफ काफ़ी अच्छा फला भी है टमाटर, और उसी को आज चलिए दिखाता हूँ नज़दीक से लेके आप लोग को कैसे हम लोग का टमाटर फला है और अच्छे से हम लोग मेहनत किए और अच्छे से इसमें खाद डाले और जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ था सब चीज़ इसमें पानी उनी सब चीज़ हर चीज़ अच्छे से डाले, तो देखिए अच्छे से फल आया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में और आप लोग को दिखाता हूँ मैं हम लोग का टमाटर का जो गार्डनिंग है घर के आसपास में अच्छे तरीके से हो रहा है। और इधर पीछे तरफ दिखा आप लोग को दिखा नहीं पाया दोस्तों, धान जो था वो कटाई हो चुका है अभी, तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। और हर बार की तरह दोस्तों जो जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो नीचे एक लाइक जरूर करिएगा, नीचे दिया गया लाल कलर का बटन को दबा दीजिएगा गाइस, साइड में बेल आइकन घंटा है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों जब भी मैं इसी तरीके से ब्लॉग लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में, आप लोग को आज का काम दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह का 5 बज रहा है और हर बार की तरह हम लोग आज भी मैं उठ चुका हूँ और काम के लिए अभी लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत ही हम लोग का जीवन शैली है और हम लोग अच्छे से मेहनत भी करते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए किस टाइप से टमाटर फला हुआ है, देखिए कितना मज़ेदार टमाटर है दोस्तों। और अच्छे से हम लोगों ने मेहनत की है और अच्छे से हम लोग को मेहनत का फल अच्छे से मिल रहा है, देखिए इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से फला होता गाइस, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उस टाइप से इधर धूप उतना अच्छे से नहीं लगा, तो फिर भी जहाँ तक हो सके तो अच्छे से ही फला है। देखिए कितना सारा फला हुआ है टमाटर, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिसको भी वीडियो पसंद आएगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा हम लोगों के टमाटर कैसे फला है। काफी अच्छी तरीके से फला हुआ था गाइस, लेकिन इसमें से अपना घर यूज के लिए कुछ कुछ टमाटर हम लोगों ने तोड़ के यूज कर लिए हैं, तो अभी थोड़ा सा कम ये दिख रहा है, बीच बीच में आप लोग को नहीं दिखा पाया दोस्तों कितना फला था इसमें। तो गाइस देखिए आप लोग को मैं दिखाया टमाटर का जो गार्डनिंग हम लोग किए थे, ये बाहर तरफ का है और अंदर तरफ आंगन में भी लगा हुआ है, उसको भी लेके दिखाऊंगा गाइस। तो देखिए कितना अच्छा से फला है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो आप लोग इस तरीके से टमाटर को अपने घर में अपने खाने के यूज के लिए लगा के यूज कर सकते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इसमें टमाटर फला, इसमें फल आने की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे से फल आया है, काफ़ी भरदार फल फला है इसमें। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखिए आप लोग को अंदर तरफ लेके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं अंदर आंगन की तरफ और आ चुका हूँ और देखिए पीछे तरफ देखिए कितना अच्छे से टमाटर फला हुआ है और काफ़ी ऊँचा ऊँचा टमाटर हो गया है दोस्तों, अपने से लगभग लगभग देखिए अपने से भी ऊंचा है, लगभग वही 5 फीट 5.5 फीट टमाटर बढ़ा है दोस्तों, ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुआ और जिस हिसाब से हम लोग खाद डाले थे उस हिसाब से ग्रोथ भी हुआ है। तो देखिए इधर कितना अच्छा लग भी रहा है, घर घर के अगल बगल में साफ सफाई है, तो और इसमें क्या है कि अच्छा लग भी रहा है और खाने में यूज भी आ जाएगा। तो घरे में इस तरीके से उत्पादन करके कोई कोई अपना यूज के लिए टमाटर लगा सकते हैं गाइस, देखिए और काफ़ी अच्छे से हुआ भी है टमाटर, काफ़ी अच्छे से फला भी है, फलने में कोई कमी नहीं है। इधर थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा कम फला है, उधर वाला तो थोड़ा अच्छे से ही फला है, क्योंकि इधर थोड़ा छाया हो जा रहा है गाइस, क्योंकि घर है तो इधर अच्छे तरीके से धूप का किरण नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर थोड़ा कम फला है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में और इसी तरीके से मैं जो भी अपना सब्जी का जो बगानी मैं करता हूं उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, और छोटा छोटा जो भी कुछ कुछ जानकारी है उस चीज़ को आप लोग को बताऊंगा। तो इधर देखिए सामने तरफ जो है पूरा टमाटर लगा हुआ है, और इसको जो बाहर में लगा हुआ टमाटर था उससे थोड़ा बाद में लगाए तो थोड़ा बाद में ही फल आ रहा है इसमें।
पूरा आंगन में ही लगा हुआ है दोस्तों टमाटर। इसका हाइट को देखिए दोस्तों, 5 फीट 5.5 फीट लगभग हो चुका है, काफ़ी अच्छा से बढ़ा है टमाटर। लेकिन आंगन तरफ छाया के कारण से थोड़ा कमे फल रहा है इसमें, लेकिन फल तो आ रहा है। देखिए इस टाइप से बोरी में टमाटर लगाया जाता है। देखिए आप लोग, हम लोगों को भी जानकारी नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से टमाटर को बोरी में लगाया और काफ़ी अच्छे से हुआ टमाटर और फल भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है। तो गाइस आज मैं अच्छे तरीके से अपना टमाटर का जो ब्लॉग है, टमाटर का जो खेती हम लोग किए हैं, गार्डनिंग जो अपने घर के आसपास, उस चीज़ को अच्छे से दिखा पाया। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है, छोटा सा एक ब्लॉग था, आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग भी कोशिश करिएगा गाइस इसी तरीके से मेहनत करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग अच्छे से मेहनत किए, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेहनत करते होंगे। और जो भी अपना, तो गाइस इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं, फर्स्ट बार में इसमें मिट्टी भरे बोरा में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें खाद दे डाले, 2 से 3 बार खाद डाले दोस्तों, DAP और यूरिया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं डाले इसमें। और जब बोरी में हम लोग खाद और मिट्टी मिला के एक साथ डाले, तो पिछला वीडियो में आप लोग को दिखाया मैं गाइस, और जो जो नहीं देखा होगा तो जाके देख सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें टमाटर लगाए, 2 से 3 बार इसमें मिट्टी डाला गया है दोस्तों, खाद भी, खाद डालने के बाद में मिट्टी। तो इस टाइप से हम लोग जो यहाँ का जो घर के अगल बगल में जो गार्डनिंग किए हैं, इस टाइप से लगाए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है गाइस इसमें। और उसके बाद अभी हल्का हल्का इसमें हर रोज़ पानी डालते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, बरसात का सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है, तो हल्का हल्का इसमें पानी डालना पड़ता है। तो सुबह सुबह इसमें पानी डाल चुका हूँ मैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, गीला गीला लग रहा है। कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, और इसी तरीके से छोटा मोटा जो अपना काम है उस चीज़ को मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो चलिए बने रहिए। तो गाइस आज मैं आप लोग को छोटा सा एक ब्लॉग के माध्यम से अपना जो घर में मैं जो लगा के रखा था टमाटर बोरी में, उस चीज़ को आज मैं आप लोग के साथ शेयर किया, और काफ़ी अच्छा से दिखाने की कोशिश भी किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का जो ब्लॉग था पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं मेहनत करता हूं, छोटा मोटा जो गार्डनिंग है और बगानी का काम है, उस चीज़ को आप लोग को आज मैं दिखाया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से रहिएगा, और ऐसे ही हर कोई मेहनत करिएगा दोस्तों, और आप लोग भी मेहनत करते होंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को मैं अंत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है उधर करेला बगान में,
तो वहाँ पे भी काम है, वहाँ पे काम करेंगे। अभी मटर उटर लगाए हैं तो उसमें पानी उनी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।